हिमाचल के बॉर्डर खोलने के सरकार के फैसले से लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कोरोना के चलते बॉर्डर खोलना क्यों था जरूरी, खुद सुनिए सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कहा। लेकिन हमारे यहाँ पर हमने एक व्यवस्था रखी थी रजिस्ट्रेशन लोगों का आने जाने का, और उसमें एक ही हमारा मकसद था कि उसमें जो लोग आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, तो ताकि कोई अगर पॉजिटिव आता तो ऐसी सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर इस बात को लेकर के जो फीडबैक हमारे पास आया काफ़ी आने जाने में असुविधा होती है, दिक्कत होती है, रोका जाता है, वो कुछ फॉर्म रहती है। और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से इस बात का आग्रह था कि अब रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए, आने जाने की प्रक्रिया को खुला कर दिया, तो हमने कर दिया, खत्म कर दिया। और इसके साथ मैं मानता हूँ कि जो लोगों को और लोगों का जो सुझाव उस दृष्टि से हमने उसको पूरा कर लिया है। मामले बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश में, हमारे प्रदेश में और हिमाचल में मामले काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। दूसरा हमने एक चीज़ देखी है कि जो जो पूरे देश भर में एक कोविड के चलते जो नई गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के मुताबिक ये किया है कि जब कोई पॉजिटिव केस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाता है तो आफ्टर 7 डेज उसका जो है वो कोविड टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अगर इनकट और वो नेगेटिव नहीं भी आता है तो 10वें दिन जो है उसको हॉस्पिटल से होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है, देखिए 10वें दिन, ताकि वो होम आइसोलेशन में जा करके आराम करें, और उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं, बशर्त है कि 3 दिन तक उसके जो है उसको जो है बुखार या सिम्टम कोई इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, तो उसको छोड़ दिया जा सकता है, वो जा सकता है और अपने घर में जा करके होम आइसोलेशन में रह करके आराम। नहीं, क्वारंटीन हमने रखा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है क्वारंटीन करेंगे, और इसमें कोशिश यही करेंगे कि भाई क्वारंटीन का जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, जहाँ ख़ास तौर से जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स वगैरह आ रहे हैं वो बल्क में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, एक साथ आते हैं और एक जगह से आते हैं कई बार, तो उनको उनके लिए सर्विस को लेकर के एक बार टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद ऐसी कोशिश हमारी की रही है। इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए मैंने कह दिया कि उसमें रजिस्ट्रेशन खत्म है, लेकिन इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी हमने शुरू किया। सर, टूरिस्ट जो आना चाहते हैं, जैसे पहले 2 दिन का स्टे था, अब उसके लिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंडोत्रा।